आइए आज हम आपको इस प्रदूषण को देखते हुए बिहार से कहीं दूर स्थित गया जिला में आपको लेके जा रहे हैं, जो लगभग स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर स्थित धर्म स्थल है, जहाँ पे लोग मोक्ष को प्राप्त करने के लिए और पिंडदान करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, जो लगभग अगस्त से सितंबर तक काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट की भीड़ रहती है। तो आज हम आपको वहाँ पे लेके जाते हैं, आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, धन्यवाद। तो हम आपको सीताकुंड लेके जा रहे हैं, जो ये ओवर ब्रिज है, ये पार करने के बाद ही सीताकुंड हम पहुंच पाएंगे। और ये जो बगल में एक और ओवर ब्रिज दिख रहा है, ये न्यू ओवर ब्रिज बन रहा है, जो अभी टाइम लगेगा इसको इसे चालू होने में। चलिए हम आगे आपको लेके चलते हैं, कुछ टाइम तो लगेगा ओवर ब्रिज पार करने में क्योंकि काफी बड़ा है। तो जल्द ही हम सीताकुंड पहुंचने वाले हैं, उसके नज़दीक में आ गए हैं, बस कुछ ही देर में सीताकुंड द्वार के पास हम पहुंच जाएंगे। ये जो आपको आगे बोर्ड दिख रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सीताकुंड और राजगीर लिखा हुआ, अगर आप इससे आगे जाते हैं तो आप राजगीर चले जाएंगे और सीताकुंड जो ये आपको ये मोड़ दिख रहा है, इस मोड़ से आप सीताकुंड जाएंगे। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। सीताकुंड पहुंच गए हैं, आपको हम दिखाते हैं सीताकुंड का मुख्य द्वार, जो आप इस द्वार के से अंदर जा सकते हैं। ये देखिए द्वार, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये द्वार, और ये मुख्य द्वार है जो बहुत पहले से ये बन रहा था, अब सक्सेसफुल हुआ। आपको पहले की हम तस्वीरें दिखा सकते हैं, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, आइए आपको अच्छे से हम इस द्वार दिखाते हैं और इसके अंदर जो जो भी मंदिर है, पुरानी तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखाएँगे। कितना बड़ा है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ सीताकुंड द्वार। चलिए हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो हम अंदर की ओर जा रहे हैं, सबसे पहले जो मिलेगा वही चीज़ आपको हम दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले एक भवन में लेकर जाते हैं, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, कुछ भी एवरीथिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये पुरानी भवन है, जो आपको लेके चलते हैं हम। घर आके आप बैठ सकते हैं, इसमें बाथरूम टॉयलेट करने की जगह भी है, बट सारा ख़राब हो चुका है क्योंकि जान सकते हैं पब्लिक प्लेस ऐसे भी ज़्यादा दिन चलता नहीं है। तो यहाँ पे था, आप देख सकते हैं ये टॉयलेट बाथरूम बना हुआ था बट सारा ख़राब हो गया है। खैर आप यहाँ पर आकर आप बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। जो रोड के साइड में दिख रहा है ये जगह जो है, आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, पार्किंग का आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप पार्किंग करते हैं तो आप इस वर्ल्ड के कोई कोने में भी पार्किंग कीजिए, तो अपने वाहन या कोई भी बाइक से आप आए हैं तो अपने बाइक से सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि कहीं भी चोरी हो सकता है।
आइए आपको हम इस सीताकुंड में सबसे पहला मंदिर का दर्शन करवाते हैं, जिस मंदिर का नाम है सूर्य मंदिर। एक एक कर कर आपको सारे मंदिर का दर्शन हम करवाएंगे। इस यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ये कोई टाइम से खुलता है। ये जो सूर्य मंदिर है, आपको इस मंदिर के चारों ओर आपको हम दिखाते हैं कैसा कैसा क्या चीज है। जो ये जो आपको कुआं दिख रहा है, ये बहुत पहले से कहा जाता है कि विष्णुपद और सीताकुंड पिंड दान के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह। जो आपको यहाँ पे तीन आदमी दिख रहे हैं, बाबा और दो आदमी यहाँ पे पिंड दान करने के लिए आए हैं, और जो आपको यहाँ आगे दिख रहे हैं, ये बॉयस ये फोटो शूट के लिए आए हैं। चलिए आपको हम फोटो के लिए, अगर आप सीताकुंड घूमने के लिए आते हैं तो अगर आपको फोटो क्लिक करवाना है तो आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके रेंट पे कैमरा ले सकते हैं, जो आपको बिल्कुल सस्ता में कैमरा मिल जाएगा, जो आपको अच्छे अच्छे फोटो क्लिक करवाने को मिल जाएगा इस जगह पे सीताकुंड के पास। और अगर आपको फोटो एडिटिंग करवाना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको फोटो एडिट हम फ्री में कर देंगे। आइए आज हम आपको नदी का व्यू दिखाते हैं, जो अगर बरसात के टाइम में आते हैं सीताकुंड घूमने के लिए तो बहुत अच्छा एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आइए आपको उस नदी के किनारे हम लेके जाते हैं। बस हम जाने वाले हैं नदी के किनारे, जाने का रास्ता है तो देखिए, आप देख सकते हैं नदी का व्यू कितना अच्छा है। ये वही पुलिया है जिस दिखकर हम आ रहे थे, और ये नदी का व्यू हुआ जहाँ पे सीता मैया आए थे और यहाँ पे स्नान किए थे। तो आप आए सीताकुंड और ज़रूर से ज़रूर घूमें, क्योंकि ऐसा दृश्य आपको देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। आइए आगे आपको और लेकर चलते हैं, सुबह हो या शाम हो आप ज़रूर आएँ, और यहाँ पर आप आराम से बैठ कर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे एक पहाड़ पे एक मंदिर है। वहाँ पे अगर मंदिर पहाड़ पर नहीं जा सकते हम तो आपको हम नीचे से ही दिखा देंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है बट बहुत ज़्यादा धूप है तो आपको हम अलग से ही दिखा देंगे वे मंदिर। तो देखिए हम जा रहे हैं, यही है, जा रहे हैं ऐसे, देख सकते हैं ऊपर दिख रहा वही मंदिर है जो एक बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच में स्थित है, जो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। और ये वही पार्क है जो आपको दिखाए थे उधर से, बट इसमें ताला लगा हुआ है, आप अंदर जाकर आप बैठ सकते हैं और देख सकते हैं कितना अच्छा लगेगा। बट अफसोस की बात है कि अभी बंद है, नहीं तो आपको अच्छे से हम दिखा देते। अगर आप डिप्रेशन में हो तो यहाँ पर आप टाइम, तो आप देख सकते हैं इस पार्क के अंदर हम आ गए हैं, ताला लगा हुआ था बट आप लोगों को दिखाने के लिए हम ऊपर से कूद के आए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगेगा आपको देखने में, यहाँ पे आप कुछ भी कीजिए, खैर देखिए आप। स्पेंड कर सकते हैं फोटो या वीडियो, आप यहाँ पे आके शूट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है, वहां पे आज हम आपको लेकर चलते हैं। अगर धूप हो या बरसात हो या आपको बहुत अजीब सा लग रहा हो तो आप वहां पे जाएं, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। चलिए हम आपको वहां लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं गया नगर निगम के द्वारा सारा व्यवस्था यहाँ पे दिया हुआ है, फैन भी लगा हुआ है, आपको गर्मी का कोई फील भी नहीं होगा, लाइट हमेशा यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हैं फैन है।
आप इस दिकर उतर सकते हैं और यहाँ से घुसने की अंदर आने की जगह थी, गेट था, बट हम आए नहीं क्योंकि गेट लगा हुआ है, अगर कोई देख लेगा तो हमें बोलेगा, इसलिए आपको हम बाहर से कूद के दिखाए थे। आप ये पूरा पार्क घूम चुके हैं, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सीताकुंड का सारा मंदिर, पहले का सारी बातें आपको बताएंगे, तो आप नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें।